दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा काइन मास्टर से पबजी स्टाइल में धमाकेदार इंट्रो बनाना। अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी वीडियो के शुरू होने से पहले आपके चैनल पर शानदार इंट्रो आए, तो आप इस तरह का इंट्रो बना सकते हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस प्लस निशान पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मीडिया पे क्लिक कीजिए। मीडिया पे क्लिक करने के बाद मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वो वीडियो आप चूज कर दीजिए। वो वीडियो मैं यहाँ चूज कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट में मैंने वो वीडियो अपने आप से बनाई है, तो अपने आप से ले लेता हूँ। कुछ इस टाइप की वीडियो है, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इसको आप एक बार चला के देखते हैं। कुछ इस टाइप से चलेगा ये। अब इसको देखो, ये इस टाइप से चल रहा है। इसमें आपको अगर कुछ इंट्रो बनाना है, इस पूरे इस टाइप से चलेगा। ठीक है, चला के देख लीजिए। पूरा चलाते हैं इसको। और हाँ यार, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। कुछ इस टाइप से ये वीडियो है। तो क्या करेंगे, अगर हमें अपना इंट्रो बनाना है तो अपना नाम डालना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले यहाँ तक इसको क्लिक कर दीजिए, अपनी वीडियो को, या जहाँ से ये दुआ हो रहा है यहाँ तक लाइए। उसके बाद इसको क्लिक कीजिए यहाँ। उसके बाद यहाँ टिप लेयर पे क्लिक कीजिए, इमेज पे क्लिक कीजिए। मैंने अपना लोगो बना रखा है, तो आप भी अपना लोगो बना दीजिए, या वरना यहाँ सिंपली टेक्स्ट पे जाइए। मैंने अपना लोगो बना रखा है, तो मैं लोगो सेलेक्ट करता हूँ। मैंने लोगो बना रखा है, मैंने यहाँ अपना लोगो बना रखा है, तो अपना लोगो को सेलेक्ट कर दिया है। सिंपली मैं ओपन करूँगा, अपने हिसाब से इसको सेट करूँगा। इसको एक बार वीडियो चला के देखते हैं कैसे चल रही है वीडियो। कुछ इस टाइप से चलेगा। ये थोड़ा लेट आ रहा है, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल करके थोड़ा सा आगे कर देंगे। उसके बाद इस वीडियो को वापस रिपीट ओपन करते हैं, देखते हैं। उसके बाद ये बहुत फास्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। इसको बड़ा करने के बाद इसमें जाइए, इन इसको अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इन एनिमेशन में जाइए। इन एनिमेशन में जाने के बाद फेड में जाइए। फेड में नहीं, इसके बजाय पॉप में ऐसा लगना चाहिए। पॉप में जाने के बाद थोड़ी सी इसकी स्पीड को स्लो कर दीजिए, अराउंड 22.0 के आसपास कर दीजिए, 2.0। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं अपनी वीडियो को। कुछ इस टाइप से दिखेगा, तो एकदम बढ़िया सेट हो गया ये। इसको सेट होने के बाद ये इस वीडियो में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है मुझे लास्ट में, तो इसको हम क्रॉप करेंगे। इसको हम यहाँ से इसको क्रॉप कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, स्केच पे क्लिक करेंगे, सीजर पे, उसे ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे करेंगे, ताकि हमारा इस साइड वाला राइट साइड वाला पार्ट कट हो जाए। तो ये कट हो गया। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे, वापस यहाँ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, और हमने जो टेक्स्ट लिया था वही इसको भी सीजर से उसको थोड़ा सा ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड में कर देंगे, ताकि हमारी वीडियो बराबर हो जाए। फिर इसको वापस ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारी वीडियो कुछ इस टाइप से दिखेगी। बहुत ही बढ़िया सेट हो गया है। उसके बाद हम चाहते हैं कि थोड़ा यार अपना नाम भी नीचे आए, तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद अपना नाम लिख दीजिए, जो भी अपना नाम, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, दीप SOLENKI, दीप सोलंकी हो गया मेरा नाम। वो मैं यहाँ लगा दूँगा, सिंपली छोटा कर दूंगा। टेक्स्ट को अपने हिसाब से मैं देख लूँगा, टेक्स्ट मुझे ये अच्छा लगता है। नीचे थोड़ा सा जितना बोल्ड, जितना छोटा नाम होगा उतना अच्छा होगा। फिर उसको वापस एक बार अपनी वीडियो को एक बार वापस शुरू कीजिए।
ये बहुत ही बढ़िया, ये नाम आ रहा है, नाम को इसके हिसाब से क्रॉप कर दीजिए, वापस इसमें जाइए, कैची के निशान पर जाइए, किसी ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर दीजिए ताकि हमारे में, फिर इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वापस इन एनिमेशन में जाइए, इन एनिमेशन में जाने स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएगा लेटर बाय लेटर, ये लेटर बाय लेटर ये कर दीजिए, इसको डन कर दीजिए। अब आप चला के देखेंगे हम अपना इंट्रो, ये चल रहा है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, अपना इंट्रो यहाँ तैयार हो गया। अगर आपको ये इंट्रो पसंद आए फिर इसको यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ क्लिक करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, अपने हिसाब से एक्सपोर्ट कर दीजिए, मैं अराउंड इतना रखता हूँ उसके हाईनेस में, और एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट होने के बाद बहुत ही बढ़िया बन गया है वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।